देखिए आज मैं दोपहर के लंच में मसाले खिचड़ी बनाई हूँ। जय श्री श्याम दोस्तों, बानी का रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं घर पे मसाला खिचड़ी तैयार की हूँ और इसमें मैं डालूंगी, ये देखिए मैंने मेरा थाली तैयार है और इसमें मैं डाल देती हूँ ये देसी घी। और इसके साथ मैंने ये चार चीजें तैयार किए हैं जो पापड़, आलू का भरता, बैगन और अचार। तो आप भी इस तरह से अपने घर पे तैयार करिए। और इसको तैयार करने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके घर में ये लंच कैसी लगी। चलिए इसको कैसे बनाते हैं बनाना शुरू करते हैं। चलिए हम मसाला खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 300 ग्राम गोविंद भोग चावल और 100 ग्राम मैंने ये सोना मूंग दाल ले लिया है। इसको मैं खिचड़ी को कढ़ाई में तैयार करूंगी। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा सा कढ़ाई चढ़ा दिया और इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच ये देसी घी है। ये देखिए मेरा घी मेल्ट हो गया है और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा, ये 5 फोरन है, और इसमें मैं डाल दूंगी ये 2 सूखी मिर्ची, हरी मिर्ची, तेज पत्ता और थोड़ा सा गोटा गर्म मसाला जिसमें लौंग, इलायची और दालचीनी, और इन सबको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूंगी। ये देखिए मेरे मसाले जब ये चटकने लगेंगे, ये देखिए सारे मसाले मेरे हल्के से रोस्ट हो गए हैं। और इसमें मैं ऐड करूंगी सब्जी। तो इसमें मैं डालूंगी 1 आलू कटी हुई, 1 गाजर, थोड़ी सी कैप्सिकम और ये थोड़ा सा कुमड़ा और ये बैगन। मैंने इन सब सब्जियों का यूज किया। आप अपने पसंद का कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं या आप जो नहीं खाते वो नहीं डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये सारी सब्जी था तो मैं इसमें डाली और इससे अच्छा होता है, खिचड़ी का टेस्ट अच्छा लगता है। और इन सारी सब्जी को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। ये देखिए मेरी सारी सब्जी हल्का सा फ्राई हो गया है और इस टाइम मैं दे दूंगी ये 1 कटी हुई टमाटर और ये थोड़ा सा अदरक कुटा हुआ, और इन दोनों को भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। ये देखिए मैंने सारी चीजों को फ्राई कर लिया है और इसमें डाल दूंगी इस टाइम मैं ये धोया हुआ चावल और दाल। ये देखिए मैंने सारे चावल और इसमें दाल डाल दिया है और इन सबको मैं सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। तो ये मैं बिना लहसुन प्याज का खिचड़ी तैयार कर रही हूँ। ये जो भगवान को भोग लगते हैं और मेरे घर में बाकी भी आ रही है तो मैं उनको भोग लगाऊंगी। तो इसमें मैं डालूंगी ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर और मैं डालूंगी 1 चम्मच ये धनिया पाउडर, और इससे इतना अच्छा खुशबू आ रहा है खिचड़ी से, एकदम भोग में जैसे आप खाते हैं वैसा ही इसका टेस्ट आता है। और थोड़ा सा मैं डाल दूंगी इसमें लाल मिर्च पाउडर और इसमें मैं डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। अब मैं चावल, दाल और सारे मसाले को अच्छे से फ्राई कर लूंगी 5 मिनट तक। ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया और मेरा चावल, दाल और सारी सब्जियाँ भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं चावल के साथ। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें पानी, पानी एकदम भरपूर मात्रा में इसमें डाल दूंगी ताकि मेरा ये देखिए मैंने ढेर सारा पानी डाल दिया है और इसको मैं ढक के 20 मिनट तक पका लूंगी ताकि मेरा चावल अच्छे से गल जाए, सारी सब्जियां चावल। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा खिचड़ी और ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया।
तो मैं इस टाइम डालूंगी इसमें थोड़ा सा मटर। मटर मैं अभी डाल रही क्योंकि ये फ्रोजन मटर है, इसीलिए मैं पहले नहीं डाली थी। तो इस टाइम मैं थोड़ा सा मटर डाल दूंगी और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। एक छोटी चम्मच मैंने डाल दिया गरम मसाला। इनको भी मैं और अभी 5 मिनट तक इसको पका लूंगी। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और आप भी इस तरह से घर पे बनाइए खिचड़ी, बहुत अच्छा लगेगा, सभी तारीफ करेंगे आपके। और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी। ये देखिए मेरा खिचड़ी पूरा बन के रेडी है और ये कितना अच्छा लग रहा है देखिए। और इसका देख सकते हैं कि मेरा चावल दाल पूरी सब्जी एकदम अच्छे से मिक्स हो गई है। और इसमें मैं डाल दूंगी हरी धनिया। तो आप भी अपने घर पे इस तरह से बनाइए और इंजॉय करिए। ये देखिए मेरा मसाला खिचड़ी बनके रेडी है। और मैंने इसके साथ 4 चीज़ें रखे हैं जिसका मस्ट बोला जाता है। तो मैंने पापड़ रखा है, ये आलू का चोखा है और ये अचार है, और मैंने देसी घी डाला है। तो आप भी अपने घर पे इस तरह से थाली तैयार करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।